हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज़ योर फ्रेंड अलका। तो सबसे पहले तो आप लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई हो और दिवाली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार की दिवाली हमारे लिए तो ऑलमोस्ट बर्बाद ही है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जा रहा है। लास्ट में मैंने एक वीडियो में बताया था कि हमारे घर से एक जना एक सदस्य चला गया ऐसे ही। अब वो तब अरुण की फैमिली से गए थे और इस बार मेरी फैमिली से मेरे सबसे छोटे मौसा जी चले गए। सबसे बड़े तो थे ही नहीं, सबसे छोटे भी चले गए और उनकी डेथ हुई कि अगले दिन हुई है, ट्यूसडे को। मतलब फिर मेरा मन नहीं करा वीडियो वगैरह बनाने का। उस दिन जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी वो उनकी न्यूज़ आने से पहले कर दी थी। तो दिवाली इस बार मुझे तो बहुत बुरी दिखाई दे रही है, बट हमेशा ये हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। किसी के लिए अच्छी होती है, किसी के लिए बुरी होती है। मेरे लिए ओके है, ठीक है। तो उनकी याद भी आ रही है, क्योंकि वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करते थे। उनको अच्छा लगता था इन चीज़ों को सेलिब्रेट करना। तो उन सब चीज़ों के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि शायद फिर मैं रोने लगूँ और सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ें मुझे थोड़ी सी कम अच्छी लगती हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो मैं आपके लिए एक तरह से हेयर केयर समझ लीजिए। आपको जैसे आपको पता है कि मैंने अपने बालों पर रिबॉन्डिंग कराई हुई है, तो उस चीज़ को स्टे करने के लिए, इन बालों की केयर करने के लिए। सबको पता है कि जब ये बाल मेरे नॉर्मल हो जाएंगे तो बहुत बुरे दिखाई देंगे, सबका कहना ऐसा है। बट अगर आप इनकी केयर करोगे उस तरीके से जिस तरह से इनको केयर चाहिए, तो ये हमेशा अच्छे रहेंगे। जब आपके बाल हैं, अगर इनका जो टाइम है 1 साल का है, तो वो 1.5 साल का अपने आप ही हो जाएगा। तो ये आपके हाथ में होता है। अब आप देख सकते हो फिलहाल मेरे बालों को करावे 2 हफ्ते के लगभग हो गए हैं, बट बाल मेरे अब तक बिल्कुल सही हैं। धोने के बाद अगर थोड़े बहुत, जैसे मैंने देखा था, आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़े से मुड़ गए हैं, क्योंकि सुबह मैं यहाँ पे ऐसे कर लेती हूँ, तो फिर भी ये ठीक रहते हैं। तो इसीलिए मैंने इनकी केयर के लिए जो मुझे उन्होंने शैम्पू और सीरम वगैरह बताए थे वो मैंने मंगा लिए हैं। और सबको मंगाने चाहिए अगर आप इतने पैसे अपने बालों में लगा रहे हैं। जैसे मेरे बाल ज़्यादा लंबे नहीं हैं, शोल्डर लेंथ तक ही है, तो ये सिर्फ 3,000 में हो गए थे। सिर्फ तो नहीं कहूँगी, 3,000 बहुत होते हैं, तो ये 3,000 में हो गए थे। अब इनके लिए अगर मैं थोड़ी और इन्वेस्ट नहीं करूँगी तो फ़ायदा नहीं है इन पे 3,000 इन्वेस्ट इन पर करने का। तो मैंने अपने शैम्पू, मास्क एंड सीरम ऑर्डर कर लिया है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मुझे पैकेट रिसीव हुआ, अभी मैंने नहीं खोला, ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। और इसका जो टोटल अमाउंट है ये मुझे पड़ा है 500 रुपये में, ये मुझे डिस्काउंट में पड़ा है। तो मैं अभी आप लोगों के सामने इसको ओपन कर देती हूँ। ये आप किसी भी साइट से मंगा सकते हैं, शॉप से भी खरीद सकते हैं, बट वो थोड़े से महंगे पड़ जाते हैं। इसमें आपको ऑफ़र मिल जाता है, उस समय मुझे 40% लगभग ऑफ था। जैसे बबल रैप में ये चीज़ें आती हैं तो काफ़ी सेफ भी रहती है, मैंने फोड़ने में बड़ा मज़ा आता है। मुझे ये 3 चीज़ें रिसीव हुई हैं। सबसे पहले मैं एक एक करके आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट है, देखिए ये शैम्पू, ये मैट्रिक्स है, ऑप्टीकेयर का मैट्रिक्स, ठीक है। अगर आप इसको वैसे भी नॉर्मल बालों पे भी यूज़ करते हो तो आपके बालों में थोड़ी सी स्ट्रेटनिंग हो जाती है। मतलब आपको फील होता है कि आपने थोड़ा सा स्ट्रेटनर यूज़ किया है। और इन बालों की इसी कंडीशन को बनाए रखने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जो इसका प्राइस है वो 325 रुपये है। मतलब मुझे हर चीज़ डिस्काउंट में मिली है। मुझे तीनों चीज़ 490 में पड़ी है, वरना शायद ही मुझे 1,000-1,500 के आसपास की पड़ती तीनों, बट मुझे बहुत बड़े डिस्काउंट में पड़ी है। ये 200 ml है और ये देखो तीसरे महीने का बना हुआ है। मैं इसको अभी काफ़ी टाइम यूज़ कर सकती हूँ और ज़्यादा भी नहीं चलेगा तो फिर भी इतना तो, मतलब मैं सोचती हूँ कि साल भर तो मैं इसमें खींच सकती हूँ, या फिर 6-7 महीने लगभग। इसको मैं अभी ओपन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे सर धोना है परसों, या तो मैं आज सर धोती, बट आज मैंने नहीं धोया। मैंने बुधवार को सर धोया था, कल सेट वो कल कौन सा दिन है, कल है सैटरडे, हाँ सैटरडे मैं सर नहीं धोऊंगी। तो इसको मैं संडे, सबसे पहले मुझे इस पे ये यूज़ करना है अपने बालों पे, ये शैम्पू है इसको मुझे यूज़ करना है। उसके बाद देखो मुझे यूज़ करना है ये है मास्क। एज अ कंडीशनर आप लोगों इसको यूज़ कर सकते हो, ये भी स्ट्रेटनर है, स्मूथ स्ट्रेटनर। और ये आपका जो लगभग पड़ता है ये है 260 रुपये का, ठीक है। ये 260 रुपये का है और इसको जब आप
वो अपना शैम्पू कर लोगे तो इसको आपको एज अ कंडीशनर यूज करना है, जैसे आप करते हो ना मास्क लगाते हो उस तरह से मास्क लगा के थोड़ी देर बाद, बट इसको स्टे नहीं करना होता बालों पर, इसको आपको लगा के ना तुरंत के तुरंत अच्छे से मसाज करके इसको धो देना होता है, इसको स्टे नहीं करना होता आपको बालों पर, ठीक है। देन थर्ड वन इज ये सीरम, आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा, ये 100 ml का है और जो इसका प्राइस है, इसका प्राइस है 445 रुपये का, सिर्फ इस सीरम का प्राइस 445 रुपये का है और मुझे ये तीनों चीज़ 490 में पड़ी हैं। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से देख सकते हो, देखो मैं बता सकती हूँ आपको, 400 का ये हो गया, 45 भी अभी छोड़ो, 400 का ये हो गया, 300 रुपये का आपका ये हो गया, ठीक है। ये लगभग 325 रुपये था, तो आप फिर भी 700 रुपये हो गए आपके, और ये था आपका 200 रुपये का, मतलब 900 रुपये, और 60 और 40 पूरे 1000 रुपये का ये सामान है जो मुझे सिर्फ 490 रुपये में पड़ा है। इसको आपको यूज़ करना है जब आप अपने बालों को अच्छे से सुखा लोगे या फिर ड्रायर कर लोगे, कंघी कर लोगे, उसके बाद आपको इसको यूज़ करना है, इससे आपके बालों पे एक तो गंदगी नहीं चिपकेगी और आपके बाल ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। तो यह बाहर जाते टाइम इस सीरम को आपको अपने बालों में ज़रूर लगाना है। तो ये तीनों चीज़ें मुझे रिसीव हो गई हैं, तो इनसे मुझे अब अपने बालों की केयर करनी है जैसे मैं करूँगी। और अगर आप लोगों को भी ये चीज़ मंगानी है तो फ्लिपकार्ट से आप लोग ऑर्डर कर सकते हो और आप लोगों को ये इजीली मिल जाएंगी, तो और आपको बहुत डिस्काउंट में भी मिल जाएंगी, जैसे मैंने बोला 1000 रुपये में और 490, 500 रुपये, लगभग 500 रुपये की छूट है आपको, 500 रुपये की छूट बहुत होती है, तो वो आपको मिल जाएगी 50%, या आप लगभग सोचिए 40% बोला था मैंने, 50% ही आप समझिए इसको, 50% छूट पर आपको ये मिल रहे हैं। तो आप इनको ज़रूर 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 यूज़ करिए अगर आपने बालों में रिबॉन्डिंग कराई, और अगर वो भी नहीं कराया, अगर आप चाहते हैं आपके बाल अच्छे रहे तो ये बाकी शैम्पू यूज़ करने से अच्छा आप इनको यूज़ कीजिए। इसमें से अब मैं हटा दूँ, अगर सीरम हटा दूँ तो आप ये मास्क या फिर ये शैम्पू ले सकते हैं, इससे आपके बालों की स्ट्रेटनिंग बनी रहेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि अभी मेरा मन ज़्यादा नहीं है कि मैं कुछ और वीडियो बनाऊँ। मैं जब नेक्स्ट व्लॉग डालूंगी तो एक बेबी की छोटी सी वीडियो ज़रूर डालूंगी, और वो बहुत 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 क्यूट है, तो उसकी मैं नेक्स्ट में डालूंगी, इसमें मैं नहीं डाल रही अभी। तो सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और प्लीज़ 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 सबका ख्याल रखिए, ज़्यादा पटाखे फोड़ के पॉल्यूशन नहीं कीजिए, वैसे ज़्यादा तो नहीं, बिल्कुल नहीं फोड़ने चाहिए, बट फिर भी फोड़ने वाले तो फोड़ते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।